हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बहुत दिन पहले बहुत सारे लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था। हमारे एडू एक्सेल के अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो वहां पर वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाकर आपको चार प्लेलिस्ट अवेलेबल होती हुई दिखाई दे जाएंगी। पहली प्लेलिस्ट जो है वो 11/AMU BTECH के नाम से है, दूसरी प्लेलिस्ट जो है वो 12/AMU BTECH के नाम से है, तीसरी प्लेलिस्ट NEET/11 के नाम से है, और चौथी प्लेलिस्ट 12/NEET के नाम से है। ओके, तो हमने जो काम स्टार्ट किया है वो पहले 11th से किया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो जो 12th क्लास है उसका फाउंडेशन, उसका बेस 11th है। तो चाहे आप AMU BTECH के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या अभी आप 11th रेगुलर में हो या आप 12th रेगुलर में हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो और आप सही प्लेलिस्ट देख रहे हो। वहां पर हमने स्टार्टिंग में 11th से काम स्टार्ट किया है। अगर आप मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में आओगे, यानी AMU BTECH वाली प्लेलिस्ट में आओगे, तो वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेंगी, और अगर आप नीट वाले में जाओगे तो वहां आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। ओके, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो हमने क्लास 11th की मैथ्स से स्टार्ट किया था। सेट जो चैप्टर है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 1, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। 6 लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है, आप उसको देखिए। आपने उसको अगर देख लिए होंगे तो आपको डाउट भी दूर हो गए होंगे और सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मेन जो टॉपिक था समझने वाला वो फंक्शन था, लेकिन हमने सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करा। हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर को समझा, ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन पे आए, रिलेशन के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा वहां लेक्चर में, फंक्शन एज अ मशीन। फिर हमने फंक्शन को उससे कनेक्ट करा एज अ मशीन, ये चेक करने का तरीका देखा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं, ये कैसे देखेंगे, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक रह गए, एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, हम फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करेंगे, और एक टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ द फंक्शन कैसे होते हैं। जो टाइप्स ऑफ द फंक्शन है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी मुझे उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको ग्राफ दिखाऊंगा। मेन जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन, जो हम आज की क्लास में बेटा कंप्लीट करने वाले हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे निकाला था हमने वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर हम नहीं निकाल पाएंगे या डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर हमें निकालना नहीं आता, तब तक हम रेंज ऑफ द फंक्शन नहीं निकाल सकते। तो उम्मीद है आपको वेवी कर्व मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं कि हम रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यासर अली क्लासेस एंड एडू एक्सेल ऑल्सो। 7 से 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है लगभग पढ़ाते हुए। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम द एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड इंजीनियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, और ऑथर ऑफ द रैंक प्रो भी हूं, जिसमें मैथमेटिकल का पोर्शन सारा मैंने ही सॉल्व करा है। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। जब आप बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़ सर्च करोगे तो वहां मेरे बारे में बहुत सारा डाटा खुल करके आ जाएगा, और वहां मेरे बारे में आप और ज्यादा पढ़ सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आज के टॉपिक पे आता हूं, जो टॉपिक मुझे आज आप लोगों को समझाना है दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। तो मैं डायरेक्ट रेंज पर आता हूं। कल हमने क्वेश्चंस लगाए थे और रेंज वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो ये हमारा टॉपिक है रेंज। आज हमें देखनी है कि हम रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 2-3 पॉइंट है जो पता होना चाहिए, और उसी से हम रेंज ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स याद रखने। पहला स्टेप या फॉर द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन होगा उसको आप y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखोगे, पहला पॉइंट।
एक्स को, एक्स को वाई के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में लिखेंगे, एक्स को वाई के टर्म्स में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि वाई के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में डोमेन फाइंड करेंगे, y के टर्म्स में डोमेन फाइंड करेंगे। और हो सकता है जब आप डोमेन फाइंड करो तो यहां आप वेवी कर्व का भी यूज करो, वेवी कर्व मेथड का भी हो सकता है आप इसमें यूज करो जब आप डोमेन फाइंड करोगे। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है, तीसरा पॉइंट, एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ y, एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई, एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यानी तीसरे वाले पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि जो आपका वाई है कांट टेक, कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज। ये याद रखिएगा कि जो आपका वाई है वो कभी भी बेटा नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता। इन तीनों पॉइंट को मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप यकीन जानो जैसा हमने डोमेन फंक्शन का फाइंड करा था, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, याद होगा आपको वेवी कर्व मेथड, और एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और अगर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल वही करना है। बस पहला पॉइंट, फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होगा। पहला पॉइंट क्या है, x को y के टर्म में लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x को y के टर्म में हमें लिखना है, x को y के टर्म में लिखना है। दूसरा पॉइंट, y के टर्म में डोमेन फाइंड करेंगे जैसे करते हैं। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, अगर वन अपॉन एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अगर अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, ये हो सकता है लगे और हो सकता है ना लगे, बस आप ये समझ लो y हमारी नेगेटिव वैल्यूज को नहीं ले सकता। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसको समझाने के लिए। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक तरफ मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक तरफ मैंने लिखा x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 25। तो क्योंकि हम सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, फॉर रियल नंबर्स, इसीलिए यहां पर x की वैल्यू दो हो सकती है, एक हो सकती है प्लस माइनस 5। अगर मैंने x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है तो x की दो वैल्यू हो सकती है, एक हो सकता है प्लस 5, प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, एक हो सकता है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 हो सकता है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू रूट 25 लिखा हुआ है, अब तक आपके लिए एक ही बात थी, लेकिन क्लास 11th में ये दोनों अलग अलग बात है। अगर x इज इक्वल टू रूट 25 लिखा हुआ है तो यहां x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती, यहां x की वैल्यू सिर्फ एक होगी, डेट इज 5। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन, ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, एंड दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन। तो याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो नेगेटिव वैल्यूज कभी भी नहीं आती हैं स्क्वायर रूट फंक्शन में। वही बात बताइए पॉइंट नंबर 3 में, समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी अपने दिमाग में तीन स्टेप रखिए रेंज फाइंड करने का। पहला स्टेप क्या है, पहला जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसमें आपको क्या करना है, आपको x को y के टर्म में लिखना है, x को y के टर्म में लिखना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, डोमेन फाइंड करना आता है, y के टर्म में डोमेन फाइंड करेंगे वेवी कर्व लगा करके, अगर लग रहा है तो। और तीसरा स्टेप, हो सकता है लगे और हो सकता है ना लगे, है ना, हो सकता है सेकंड में ही हमारा आंसर आ जाए, या अगर हमारा आंसर सेकंड में नहीं आ रहा तो फिर थर्ड स्टेप में आना पड़ेगा कि आपको नेगेटिव वैल्यूज रेंज के अंदर नहीं डालनी है, नेगेटिव वैल्यूज रेंज वाई कभी भी नहीं लेगा। तो प्लीज नोट, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, okay.
ये तीनों पॉइंट किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो मैं अब आपको करके दिखाता हूं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इन तीनों पॉइंट को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द रेंज, हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको दिया पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x+3)। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। आप देखो तीनों पॉइंट कैसे अप्लाई करने हैं। पहला स्टेप क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स लिख लो। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब हो गया y इज इक्वल टू 1/(x+3)। y इक्वल टू 1/(x+3)। अब पहला स्टेप क्या था कि x को y के टर्म में लिखेंगे, ओके x को y के टर्म में लिखेंगे, मतलब ये y इक्वल टू लिखा हुआ है ना, आपको x इज इक्वल टू लिखना है। कैसे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा xy+3y=1। यहां से अगर y कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा x+3=1 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/(x+3)। ये हो गया हमारा स्टेप y, अरे ये तो मैंने y इक्वल टू x+3 लिख दिया दोबारा, मुझे x को y के टर्म में लिखना है ना, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई xy+3y=1। x की वैल्यू xy विल बी इक्वल टू 1-3y और x विल बी इक्वल टू 1-3y/y, ये आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, पहला पॉइंट ये y इक्वल टू लिखा है, आपको x इज इक्वल टू लिखना है, यानी x को y के टर्म में लिखना है। तो मैंने x को y के टर्म में लिख दिया, x इज इक्वल टू 1-3y/y। अब आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था डोमेन निकालो y के लिए, तो y वाला तो ये पूरा, इसके लिए डोमेन निकालो। दिस इज 1/एक्सप्रेशन, अगर 1/एक्सप्रेशन होगा तो 1/एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये वही फॉर्म है 1/एक्सप्रेशन, मतलब y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, y हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं रेंज का आंसर दूं तो आप क्या बोलोगे, रेंज क्या हो जाएगा, आप सारे रियल नंबर ले लो एक्सेप्टेड जीरो, ठीक है। चेंज द राइट मोड विल क्लियर कंटेंट। रेंज क्या होगा, आप सारे रियल नंबर ले लो एक्सेप्टेड जीरो, आप जीरो नहीं ले सकते। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अभी एलिमिनेट वाला जो था वो नहीं आया क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का भी सीन ही नहीं माना, जब बनेगा तब वो सिखाऊंगा। अभी आप इतना समझो, पहले पॉइंट में हमने क्या करा, हमने एक्स को वाई के टर्म में लिखा और फिर वाई का डोमेन निकाला जैसा निकालते हैं, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो पूरे फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर माइनस जीरो। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम्पल ऐसे करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं इसी के बाद, यहीं पर, उसके बाद ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे एक एक लाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, इसमें भी आपको रेंज फाइंड करनी है और फंक्शन है आपके पास 2x+3/x। तो क्या करना है, पहले तो फंक्शन को y इक्वल टू करके लिख रहे हैं, y इक्वल टू 2x+3/x। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू y के टर्म में लिखनी है, यानी x इज इक्वल टू करके लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा xy=2x+3, ओके ये हो जाएगा xy-2x=3। यहां से x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा y-2=3 और x की वैल्यू आ गई 3/(y-2)। ये हमारा दूसरा स्टेप है ना, x की वैल्यू y के टर्म में लिखनी, यानी अब मेरे पास ये सवाल हो गया x इज इक्वल टू 3/(y-2)। अब सिर्फ इसको देखेंगे, y के टर्म में डोमेन चाहिए, तो x को मत देखो, y के टर्म में डोमेन चाहिए, तो दिस इज 1/एक्सप्रेशन, और अगर 1/एक्सप्रेशन होगा तो एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी y-2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी y शुड नॉट बी इक्वल टू 2। यानी इस पूरे फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन की सारे रियल नंबर्स यहां पर आएंगे
एक्सेप्टेड टू, सिर्फ टू नहीं आएगा. तो आर माइनस टू इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. उम्मीद है क्लैरिटी आ रही होगी कि कैसे कर रहे हैं. वही सारे स्टेप हैं. सबसे पहले हम y इक्वल टू एफ एक्स लिख रहे हैं, उसके बाद x की वैल्यू y के टर्म में लिख रहे हैं, और फिर y का डोमेन फाइंड कर रहे हैं और आंसर दे दे रहे हैं. ओके, प्लीज नोट, चलो अब मैं वो एलिमिनेट वाला पॉइंट दिखाता हूं आपको. एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक है. चलो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से. ओके, नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं. नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, देख क्लैरिटी आ जाएगी. एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस टू. एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस टू. देखो बच्चा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है कि ये जो हमारा फंक्शन है उसको y इक्वल टू करके लिखना है. तो पहला स्टेप हो गया y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस टू, ठीक है. नाउ हमें x, ये y इक्वल टू है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, यानी x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए. कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस टू, और x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस टू. ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म में? ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली है किसके टर्म में? ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली है y के टर्म में, ठीक है. नाउ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू है. नाउ अब मुझे इससे मतलब है सिर्फ, बस मुझे इसका डोमेन देखना है क्या होगा. यही तो स्टेप पढ़ाया था. मुझे x वाले टर्म से मतलब नहीं है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू लिख दिया, यानी मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मैं क्या अब वाई स्क्वायर प्लस टू का डोमेन निकाल सकता हूं या नहीं, ठीक है. तो देखो कैसे निकालेंगे. यहां आप y को सारे रियल नंबर्स दे सकते हो क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है. y को तो आप सारे रियल नंबर्स दे सकते हो क्योंकि दिस इज स्क्वायर फंक्शन, ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है. भाई कुछ भी डालो, यहां पर माइनस वन डालोगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, दो और एक तीन. माइनस का कोई भी नंबर डालो, माइनस टू डालोगे तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, चार और दो छह. प्लस टू डालोगे तो दो का स्क्वायर चार, चार और दो छह, जीरो भी आ जाएगा. रेशनल नंबर भी डाल सकते हो, तो कुछ भी डालो, y बिलोंग्स टू रियल नंबर. लेकिन रेंज आपकी आर नहीं होगी. रेंज क्या होगी? अब ये वाली बात आपको समझ में आएगी. रेंज क्या होगी? दिस इज वॉट, दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. अब मैं तीसरा पॉइंट समझा रहा हूं, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है. स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब हुआ यू कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज. आप नेगेटिव वैल्यूज को बिल्कुल नहीं ले सकते, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते. चेक करो, अगर आप यहां x की जगह माइनस टू ले लेते हो तो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा. रूट के अंदर माइनस फोर कैसे डाल सकते हो? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई. रूट के अंदर माइनस फोर तो हम डाल ही नहीं सकते. ओके, हम क्या करें, हमें नेगेटिव वैल्यूज यहां पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ओके, यानी रेंज हो जाएगी हमारी जीरो कॉमा इंफिनिटी. रेंज हो जाएगी हमारी जीरो कॉमा इंफिनिटी. जीरो भी नहीं ले सकते क्या हम? जीरो पे मैंने ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, ऐसे क्यों नहीं लगा? ऐसे भी तो लिख सकता था. इसका मतलब हो जाएगा जीरो ले सकते हो, लेकिन यहां जीरो भी नहीं ले सकते. अगर जीरो लोगे तो जीरो माइनस टू, ये बनेगा माइनस टू. यू कांट टेक जीरो एज वेल, यानी रेंज विल बी दिस. ये होता है आपका पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है. स्क्वायर रूट फंक्शन जहां भी आएगा आपको ध्यान रखना है यू कांट टेक नेगेटिव वैल्यू. अब कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि आप जीरो ले लो, कभी कभी हो सकता है जीरो नहीं लोगे. जैसे इस क्वेश्चन में जीरो नहीं ले रहे, इस वजह से ये रेंज होगी, ये नहीं होगी. ओके, प्लीज नोट, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि वो थर्ड पॉइंट का मतलब क्या था. चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं अब, जिसमें आपको जबरदस्त क्लैरिटी आएगी.
देखो बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस बार एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आओ बच्चा देखो, सबसे पहले तो y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और याद रखा जाएगा दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है, यानी लास्ट में हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें से नेगेटिव वाली वैल्यूज को हटा देंगे, तो वो बात की चीज है, पहले नॉर्मल देखते हैं क्या हो रहा है। अब हमें x को लिखना है y के टर्म में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स विल बी इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। नाउ अंडर, अब मैंने बोला था इसका डोमेन फाइंड करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें हमें अब इससे मतलब है, ये आ गया ना एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो मैंने बोला था वाई के टर्म में डोमेन फाइंड करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे। आप अब ये देखो क्वेश्चन ये, इसका डोमेन फाइंड करना है। अब ये कैसा है, अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन अगर होगा तो एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 4 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी दिस इज 2 प्लस वाई, 2 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, भाई हाँ या ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज वॉट हमने पढ़ा था, एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है वेवी कर्व में तो माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे, तो वेवी कर्व यहां पर लगा रहे हो, वेवी कर्व मेथड, माइनस का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि ये जो वाई है वो नेगेटिव हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई माइनस टू और वाई प्लस टू, वाई माइनस टू वाई प्लस टू, और माइनस का मल्टीप्लाई होने की वजह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यह आ गया ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं वो देखो ध्यान से, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, अगर आपको याद हो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस टू और प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, प्लस माइनस प्लस, ये साइन है लेस देन का, यानी ये वैल्यू मुझे जीरो से कम चाहिए, जीरो से कम मतलब नेगेटिव चाहिए, ये हो जाएगा ठीक है। नाउ अब इक्वल टू का साइन भी है, यानी यू कैन टेक माइनस टू, यू कैन टेक टू ऑल्सो, ओके, यानी माइनस टू और टू, इसको मैं लिखूंगा ऐसे माइनस टू कॉमा टू, वाई बिलोंग्स टू दिस, वाई इससे बिलोंग कर रहा है। अब मेरा रेंज का आंसर माइनस टू कॉमा टू नहीं होगा, है ना, थर्ड वाला पॉइंट याद रखिए, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो यू कान टेक नेगेटिव, स्क्वायर रूट फंक्शन में आप निगेटिव नहीं ले सकते, और अगर आप निगेटिव नहीं ले सकते तो रेंज क्या बोलोगे, हम निगेटिव तो ले नहीं सकते, तो रेंज हो जाएगी हमारी निगेटिव छोड़ो, माइनस टू छोड़ेंगे, माइनस वन छोड़ेंगे, जीरो ले सकते हैं और टू ले सकते हैं, जीरो कॉमा टू, दिस इज अवर रेंज, क्लियर है, बस निगेटिव वाले हटा देने हैं अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है। उम्मीद है बढ़िया से क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट, ओके। अब देखो इसको मैं घुमाता हूं तब शायद तुम्हें और क्लैरिटी आए, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर करके देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक काम करूं बराबर में ही करके देखता हूं ताकि तुम लोगों को भी रहे, ठीक है। लेटेस्ट ये हो गया मेरा पहला वाला फंक्शन, लेटेस्ट टेक अनदर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, इस बार मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब देखो क्या फर्क आएगा, इस बार मैंने कर दिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4, चलो तो क्या करना है, पहला स्टेप वाई इक्वल टू करके लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्योंकि मुझे एक्स इज इक्वल टू चाहिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4, है ना,
वाई स्क्वायर प्लस 4 आ गई इसकी वैल्यू, और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस 4। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है इससे, बस इसी से तो मतलब है भाई, मुझे सिर्फ इसी से मतलब है वाई स्क्वायर प्लस 4 से। अब वाई स्क्वायर प्लस 4 का मतलब हो गया, देखो वाई स्क्वायर प्लस 4 का मतलब क्या है, इसका डोमेन चाहिए, तो ये तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब यू, आप निगेटिव डालो पॉजिटिव डालो जीरो डाल दो इसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो रेंज हो जाएगी, इसकी जो मैं अगर रेंज लिखूंगा, डायरेक्ट रेंज लिखूंगा, वो निगेटिव वाले ले नहीं सकता क्योंकि इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन ऑल्सो, यानी 0, ∞। इस बार आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां चेंजेस आप देख पा रहे हो, चेंजेस ऑब्जर्व कर पा रहे हो किस तरीके से हम रेंज का आंसर कर रहे हैं, ओके। चलो आगे बात करते हैं इसी के साथ, तो पहले उससे पहले ये नोट कर लो, इसको और घुमाते हैं, इसी फंक्शन को लेते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिया, लेट अस टेक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ब्रैकेट का ध्यान रखना, सेकंड वाले में क्लोज्ड ब्रैकेट है, चलो। अब एक और लेता हूं मैं ऐसे ही फंक्शन, ठीक है, एक और लेता हूं मैं ऐसे ही फंक्शन, एक और लेते हैं यही फंक्शन लेते हैं, तीसरा वाला जो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो चेंज देखना, इसकी रेंज जो है ना वो ये आई है 0, ∞। यहां क्लोज्ड ब्रैकेट है, यहां देखो क्या आएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 4 था ना यहां, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 4y² इज इक्वल्स टू 1, यही बना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y² इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू लिखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4y² और एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4y² अपॉन वाई स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4y² अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप इसे ही गौर से देखो तो यहां डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी y स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही तो बोल रहा है, y हमारा बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्ट इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज विल बी इक्वल टू, अब रेंज में क्या होगा, यहां वाई स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं थी इसलिए 0 ले रहे थे, यहां बोल रहा है वाई इज नॉट इक्वल टू 0, वाई 0 नहीं चलेगा, यानी यहां 0 नहीं लेंगे और आगे कुछ भी ले लो 0, ∞। देखो इंटरवल का फर्क है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है यानी 0 ले सकते हो, बट यहां पर 0 नहीं ले सकते। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, प्लीज टेक अ पॉज द वीडियो एंड नोट इट। इसका लास्ट पार्ट और दिखाता हूं, मजा आ जाएगा उसमें, जिसमें हम 1 अपॉन 4 माइनस x² लेकर देखते हैं और देखना कितना ड्रेस्टिक चेंज आएगा, बड़ा चेंज आएगा। देखो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, अब मैं करता हूं 4 माइनस x² करके देखते हैं चौथे में, ठीक है, 4 माइनस x² लास्ट पार्ट है और चेंज देखना कितना बड़ा आएगा।
चलो देखो लास्ट पार्ट है फोर्थ वन. फंक्शन इज वन अपॉन अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स स्क्वायर. चेंज देखना कितना ड्रास्टिक आने वाला है. ठीक है चलो इसको मैं लिखूंगा y इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट के अंदर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए y के टर्म में. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, दिस विल बिकम y स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज फोर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन. ओके एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर माइनस वन. यही बनेगा फोर वाई स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है दिस इज एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर. ठीक है ओके यानी इसको अब यहां तो माइनस आ गया, पहले प्लस था तो डायरेक्ट ले रहे थे, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर फोर वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर. यही है फोर वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर. ठीक है अब इसमें दो बातें. पहली बात तो क्या, ये जो हमारा वाई स्क्वायर है वन अपॉन एक्सप्रेशन, सिर्फ इसको ही तो देखना है ना भाई, इसका डोमेन निकालना है ऐसा समझो. अब ये हमारा डेनोमिनेटर है यानी वन अपॉन एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, y square should not be equal to zero, यानी y should not be equal to zero. एक तो भाई y को तुम zero नहीं ले सकते, और under root के अंदर expression जो है, under root के अंदर expression जो है should be greater than or equal to one. वो should be greater than or equal to क्या होना चाहिए, one होना चाहिए, यानी four zero होना चाहिए. four y square minus one should be greater than or equal to zero. चलो अब ये हो रहा है मेरा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, four y का मतलब हो गया two y का whole square, इसका मतलब हो गया 2y का होल स्क्वायर और वो हो गया 1 का स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2y प्लस 1 लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2y का स्क्वायर 4, हाँ लिख सकते हैं. चलो अब y तो हमारा पॉजिटिव ही है, तो हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करते हैं. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस 1 मत कर देना, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे ना, 2y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना आएगा 1 by 2, इसका आएगा माइनस 1 by 2, तो दिस इज माइनस 1 by 2, दिस इज 1 by 2. अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमें बड़ा चाहिए और इक्वल चाहिए, यानी दिस इज पॉजिटिव, ये हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी यू कांट यू टेक दिस एंड यू कैन टेक दिस. ठीक है अब यहां पर मेरा जो y है, मेरा जो y है वो बिलोंग किससे कर रहा है, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन बाई टू यूनियन यूनियन वन बाई टू टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन बाई टू यूनियन वन बाई टू कॉमा इन्फिनिटी, ऐसे लिखते थे. लेकिन ये रेंज नहीं हो सकती बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो भाई यू कांट टेक नेगेटिव, आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो. यानी जब रेंज लिखने की बात आएगी तो आप बोलोगे सर रेंज में स्क्वायर रूट फंक्शन की वजह से हम नेगेटिव वैल्यूज को बिल्कुल भी नहीं ले रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ वन अपॉन टू कॉमा इंफिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी, वन अपॉन टू कॉमा इंफिनिटी. ओके ठीक है चलो, तो यह हो गया हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर. तो ये था हमारा बेसिकली रेंज क्या है, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, रेंज में क्या कर रहे थे, y इक्वल टू एफ एक्स करके लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद x को y के टर्म में लिखेंगे और y का डोमेन फाइंड करेंगे. अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है देन यू कांट टेक नेगेटिव, आप फिर नेगेटिव नहीं ले सकते हो वहां पर बिल्कुल भी. ओके तो अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, मुझे उम्मीद है रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाते हैं क्या है, ठीक है चलो जल्दी से इसको नोट करो फिर रेंज के क्वेश्चन लगाते हैं. दो तीन क्वेश्चन ही थे जो कल हमारे रेंज रेंज डोमेन तो मैंने आपको सॉल्व करा ही दिया था.
चलिए तो अब हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे वो, ठीक है। नाउ फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ओके। x बिलोंग्स टू r, x r से बिलोंग कर रहा है एंड x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, यानी x इज अ पॉजिटिव नंबर, ओके। तो y इक्वल टू लिख लेते हैं पहले 2 माइनस 3x, और x के टर्म में y को लिखना है, दैट इज 3x इज इक्वल टू 2 माइनस y, और x इज इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन 3, ये आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन 3। अब यहां पर अगर मुझे रेंज की बात करनी है तो रेंज इज नथिंग बट इट इज अवर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है। तो रेंज में आप y डाल सकते हो जो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन y इज लेस देन 2। रेंज में अगर आपको रेंज लिखनी है तो इसमें आप y ले सकते हो, y बिलोंग्स टू रियल नंबर क्योंकि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन y इज लेस देन 2, y हमेशा 2 से छोटा होगा, क्योंकि अगर आपने 2 से बड़ा ले लिया y को, जैसे मान लो 2 से बड़ा ले लिया 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई 3, ये पहुंच जाएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, नेगेटिव हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो 2 से छोटा लेना है, तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, 2 से छोटा लेने का मतलब यू कांट टेक 2, है ना, 2 से छोटा आपको लेना है। चलो आगे बात करते हैं इस पर, यह तो बहुत ही आसान है, एक्स हमारा रियल नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो खत्म ही हो गया। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज मैं आप बोल दो रेंज हो जाएगी y, जहां पर y बिलोंग करेगा रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, कुछ भी डालो इसके अंदर, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं, एक सवाल हमारा ऊपर भी रह गया था जिसका डोमेन था, मैंने डोमेन फाइंड करा था और मैंने कहा था रेंज हम बाद में फाइंड कर लेंगे जब पढ़ेंगे, ये वाला सवाल, इसको देखो। दिस इज वाई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन है, यू कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज, यू कांट टेक नेगेटिव, ये बात की चीज है, पहले सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे तो यह बनेगा वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये बनेगा x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर, है ना बच्चा, ये बनेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9 माइनस y स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना है इसके ऊपर, इसका डोमेन निकालना है, अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 9 माइनस y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको खोलोगे तो दिस इज 3 प्लस y और 3 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड जब लगाओगे तो वाई का कोफिशिएंट हो रहा है नेगेटिव, जो हमें चाहिए नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे डेट इज वाई प्लस 3 और वाई माइनस 3, ये इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। अब इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, इसको हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, दिस इज माइनस 3, दिस इज 3, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें जीरो से ये वैल्यू छोटी चाहिए यानी नेगेटिव चाहिए, तो y बिलोंग्स टू माइनस 3, 3 इक्वल का साइन लगाए ये, बट दिस इज नॉट रेंज क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। अगर मैं इसकी रेंज लिखूंगा तो रेंज में आप नेगेटिव वालों को हटा दोगे, अगर आप नेगेटिव वालों को हटा दोगे तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, यानी 0, 3 आप जीरो ले सकते हो, 0, 3 ये बोलोगे आप रेंज, है ना जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी क्यों हमने इसका आंसर ये दिया हुआ है, डेट इज 0 और 3, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हटा दिए, -3 हटा दिया, -2 हटा दिया एंड सो ऑन, ये हो गया हमारा रेंज का आंसर। तो उम्मीद है आपको रेंज वाला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड, बस एक 15 से 20 मिनट का लेक्चर और मुझे देना है सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा और हमारा रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है वो हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। अब मैं सारा प्रैक्टिकल वाला आपको काम बता चुका हूं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एज अ मशीन क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, वेवी कर्व क्या है, डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे,
अब बस मुझे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन दिखाना है कि इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, इसको सिग्मा फंक्शन बोलते हैं, और उनके अलग अलग तरीके से ग्राफ कैसे दिखते हैं वो ग्राफ मुझे आपको दिखाने हैं। तो वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन के नाम से 15 से 20 मिनट का। तो वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।